सवालों दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि आप लोग अपने HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट को किस तरीके से रिडीम कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आपको जो क्रेडिट कार्ड में रिवार्ड पॉइंट मिला है उसे कैश में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे, बने रहे वीडियो के एंड तक। इससे पहले दोस्तों हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, उसके बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है माई कार्ड, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद सर्च करेंगे, यहां पे फर्स्ट नंबर पर HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी माई कार्ड की, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के लिए आ जाएगा। तो दोस्तों आपका जो HDFC बैंक में मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे। बस आपको गेट OTP वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो क्रेडिट कार्ड का पोर्टल है यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो क्रेडिट कार्ड का लास्ट का 4 अंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शॉप एंड रिडीम का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके क्रेडिट कार्ड का जो भी रिवार्ड पॉइंट होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे क्रेडिट कार्ड का 563 रिवार्ड पॉइंट है। तो उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर देखेंगे रिडीम नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे साइड आपको क्लेम रिवार्ड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो सिंपल सा आपको एक बार इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोसीड नाउ का ऑप्शन है, तो सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कस्टमर आईडी डालने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका HDFC बैंक में खाता है तो यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल के लॉग इन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका HDFC बैंक में खाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, तो सिंपल सा यहाँ पे नीचे साइड आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड ओनली लॉग इन हेयर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेना है। अगर दोस्तों आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है, आपने अभी तक नहीं बनाया है, तो इसके लिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को देख के आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। सिंपल से दोस्तों यहाँ पर मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल आउट स्टैंडिंग अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल से दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और नया पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट रहेगा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपका जो भी रिवार्ड पॉइंट रहेगा यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिडीम रिवार्ड पॉइंट्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका जो भी अवेलेबल रिवार्ड पॉइंट होगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मेरा 506 पॉइंट है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपने रिवार्ड पॉइंट से प्रोडक्ट वाउचर ले सकते हैं, इंस्टा वाउचर ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपने रिवार्ड पॉइंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका जो रिवार्ड पॉइंट रहेगा कैश में बदल जाएगा। तो सिंपल से दोस्तों यहां पर मैं कैश वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हैं रेडी टू रिडीम कैश आपके सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, और आपका जो भी अवेलेबल पॉइंट रहेगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो अवेलेबल पॉइंट है 506 पॉइंट है, और इसका जो वैल्यू है 506 रुपए होंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप कम से कम 500 पॉइंट जब आपके हो जाएंगे तभी जो है तो रिडीम कर पाएंगे, अगर 500 से कम पॉइंट है तो आप रिडीम नहीं कर पाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जितना भी पॉइंट को रिडीम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि मेरा जो 506 पॉइंट है पूरा का पूरा मैं रिडीम करना चाहता हूँ, तो इस बॉक्स में 506 पॉइंट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे 506 रुपये यहाँ पे उसका जो वैल्यू है देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपल सा आपको नीचे यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर देखने को मिल जाता है, आपका जो भी रिवार्ड पॉइंट का पैसा रहेगा अमाउंट रहेगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा बॉक्स है, सिंपल सा आपको इसके ऊपर टिक मार्क लगाना है और यहाँ पर रिडीम नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट है इसका जो रिक्वेस्ट है सेंड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने जो अपने रिवार्ड पॉइंट को कैश में कन्वर्ट किए हैं इसके लिए 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, उसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड रहेगा उसमें आपका जो रिवार्ड पॉइंट रहेगा माइनस हो जाएगा। जैसे कि आपने 2000 रुपए खर्च किए हैं तो जैसे कि मेरा 506 रुपए है तो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, आपके क्रेडिट कार्ड में 1 से 2 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों आप लोग भी इसी तरीके से अपने HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट को आसानी से रिडीम कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।